बस पढ़ ली मेरे बेटे ने भी। चलो उठ जाओ बस, अभी जाय नमाज इकट्ठा करें। चलो अब कुरान पढ़ेंगे। ओके हाँ कुरान पढ़ेंगे, ठीक है। चलो गुड बॉय, आपने भी पढ़ना है। आपके आपके फेस पे क्या लगा है? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये रमज़ान के जो है सेकंड अशरे का व्लॉग है, और मैंने और अदनान ने हम लोगों ने सोचा कि घर वालों को जो है ना इफ्तार पार्टी पे इनवाइट करते हैं। बहुत मुश्किल है घर वालों का आना, हमारे घर में जब कहीं जाना होता था ना तो वाह एक मसला बन जाता था। और क्योंकि सबका जो है ना रूटीन डिफरेंट है, कोई किस टाइम आ रहा है कोई किस टाइम जा रहा है, तो इसलिए घरों से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता था। तो बस इनवाइट किया था घर वालों को, मेरे पापा तो नहीं थे बट बाकी सब जो है ना वो आ रहे थे। पापा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब पापा आएंगे फिर सब जो है ना दोबारा से इनवाइट करेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे बस कुरान पढ़ रही थी, घर वाले जो है ना वो आने ही वाले थे, मैंने सोचा नमाज कुरान से फ्री हो जाऊँ। और यहाँ पे अलमीर जो है ना कैमरे में देख के बस वो भी मस्तियाँ कर रहा था। क्या लेने आए हो आप यहाँ पे? आप क्या लेने आए हो? दिल कर रहा है? स्मेल कहाँ से आ रही है? हेलो स्मेल कहाँ से आ रही है? बारिश है कहाँ से? आपने बिल पोटी की है क्यों? अब क्या करूं? क्या करूं? मैंने दो वर्क पढ़े हैं बस, और साहबजादे का कोई ना कोई कार्रवाई जो ना बच्चों के साथ कौन आया अलमीर? अमीर की बारी। चल अमीर की बारी। नीचे। नहीं नहीं इतना हौसला नहीं है तुम। ये क्या कर रहे हो? आशे ये देखो, ये आशे चलो कैच करो कैच। खड़े हो इधर नहीं करेगा नहीं करेगा। करो चलो के पढ़ रही है नमाज, और मैं कर रही हूँ यहाँ जी सहरी की तैयारी। आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीज आलू और चिकन के पराठे। आलू है और इसमें चिकन है, और साथ में मैं जो चीज है ना वो ऐड करूंगी और सहरी में जी पराठे बनाएंगे। ठीक हो गया। अभी यहाँ पे जी मैं बनाने लगी थी पराठे, और मैंने स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि फिर सब लोगों ने कुछ मैंने रोटी बनाई थी कुछ पराठे, जिसने रोटी खानी है वो रोटी खाएगा पराठे वाले पराठे खाएंगी। शादी से पहले एक टाइम ऐसा था कि जी सारी रात नहीं सोते थे, नमाज कुरान इस चीज़ में मसरूफ़, और बस फिर सुबह सहरी करके ही सोना। बट अभी बच्चों के साथ जो टाइमिंग है ना वो बड़ी डिफरेंट सी है। तो लेकिन आज जो है ना जब सब घर वाले आए हुए थे तो मुझे रात को नींद ही नहीं आई, और मुझे मोस्टली ऐसे होता है कि मुझे जब किसी काम की टेंशन होती है ना मुझे नींद नहीं आती।
बस यहाँ पे पराठे बन रहे थे और साथ में सालन बना लिया था नान, भिंडी और चिकन का, और इसके अलावा चने ले आए थे। मामा पढ़ ली नमाज आपने? चलो बस जल्दी जल्दी करो, 4 बज गए। मामा दुपट्टा दानिश को दिया था आपका मैंने, पता नहीं वो मांग रहा था। अम्मी जी की बना रहे हैं। उतारो इसमें, यहाँ पे नहीं लगेगा। बस इसके अंदर लगा दो ना, नमक लेना उतारो एग्जॉस्ट अच्छी तरह से कर ले, फिर देते हैं नमक। भाई दानिश नहीं आए, आप भी आ जाएं। बस भाई ये लास्ट है, चलो हम लोग में आ गए। और यहाँ पे जी दस्तरखान लग चुका था, सब सहरी खा रहे थे, और यहाँ पे पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे क्योंकि बस पापा नहीं थे। पापा का टाइम ऐसा है, स्केड्यूल उनका कुछ इस तरह का है कि वो आ नहीं सके, छुट्टी नहीं थी उन्हें। इंशाल्लाह ताला जैसे ही पापा आएंगे इंशाल्लाह अपनी फिर अपने पापा को भी इन्वाइट करूँगी, फिर सब दोबारा से इफ्तार करेंगे। अब जो है ना मसला कुछ यूँ है कि मेरे भाई जो हैं वो इस टाइम होते नहीं क्योंकि रमज़ान है, काम का बर्डन ज़्यादा होता है, तो इफ्तार के टाइम वो लोग आ नहीं सकते थे, इसलिए फिर अदनान ने कहा कि आप लोग सहरी पे आ जाए। नहीं चाय पी ले जल्दी जल्दी, सिर्फ 5 मिनट रह गए है ना। मम्मा आपने खा ली? सफर में हम अपने टाइम के मुताबिक बोल सकते हैं। हाँ सफर में तो अल्लाह हो रहा है। आज हमारा दस्तरखान माशाल्लाह बड़ा बड़ा, मतलब वहाँ पे इतना पिद्दू सा हमारा दस्तरखान होता है। किस में से तो बस तक फिर किस और डॉक्टर को चेक करवाना है। देखो ये देखो ये चीज निकली हुई है बाहर को, ये देखो। हाँ ये बैलेंस नहीं है, साफ पता चलता। अब तो पहले इतनी फील ही होती थी। तुम दूसरे हॉस्पिटल में चेक करवाना ना, अब आज है टाइम लियो। क्या ऑपरेट उस डॉक्टर ने, मिडिल वाले डॉक्टर ने तो कहा इसका कोई इलाज नहीं, पेन किलर। चले जी वो देखो रेडी होके भी आ गया वजू करके। क्यों ऐसे लोग मुझे ज्यादा कबूल होती है भाई, नमाज पढ़ने के बाद देखो खूबसूरत तरीन नजारा। वाह व्हाट अ ब्लेसिंग यार, मतलब मतलब कि ओए होए 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 बंद कर दो ऐसे गेस्ट आए, मजा ही आ रहा है। मैं कहती हूँ कितना फायदा। आई लव यू टू ओए होए मैं कहती हूँ चल सारी अंदर तक। अगर तो मुझे अफ्तारी करानी है तो फिर मैं बटन नहीं दूंगी, मतलब अभी नहीं नहीं अभी हम अफ्तारी में धोएंगे बस, अब बस करो और रहने दो बस। मैं फैक्ट्री जाऊंगी आपके साथ। मैं कहती हूँ एक 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 चूल्हा मांझ रही है, एक ने बर्तन धो दिया, ओहो मजा आ गया।
हल्ले कौन से वाला उठा है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग। आज तो घर में इतने सब लोग हैं मेरे बेटे को सबको मिलने के लिए। ओके आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। जल्दी से पानी दे दो। मॉर्निंग। बेटा प्यार करते हैं, बुरी बात है, ऐसे नहीं करते। तो फिर आप आराम से दे दो, फिर वो इसलिए जोर से करेंगे। फिर आप सो रहे थे, फिर आपको छोड़ के चले गए। हाँ जी, अब मामू आएंगे ना, फिर चलेंगे। हाँ जी, पिया पिया भी चलेंगे और मोटरसाइकिल पे बैठ के भी चलेंगे, बाइक पे बैठ के। राजा और चलो और पार पारे कपड़े कपड़े पहने ना मेरे बेटे ने, अपने नीचे सैंडल भी पहनो। चलो अब सैंडल भी पहन लो। अलमीर जान, इसको सैंडल बनाना, लेके आओ। चलो हम कुरान पढ़ते हैं। मम्मा तो कुरान पढ़ के लेट गई है, सबने पढ़ लिया, मैं रह गई। ये खोले गई, ये खोलो, तुम्हारे लंबी हाइट का कोई तो फायदा हो। हाँ जी, नहीं ना, ये मैं कह रही हूँ इसलिए तो कह रही हूँ ऊपर रख देती। ये दो है ना, दो के लिए। ये एक पाकिस्तान पड़ा हुआ था ना, इधर ही छोड़ के, फिर ये सोदिया जाके डॉक्टर ने कहा था जब इसको नेबुलाइज करना था ना, तो फिर वहां से ले आया। अब ये दोनों नीचे पड़े हुए इसलिए मैं कह रही हूँ ऊपर रख देते। यहाँ पे जी सबने नमाज कुरान पढ़ ली थी, फारिग हो गए थे, बच्चे भी सो के उठ चुके थे, फ्रेश हो गए थे, और यहाँ पे जी अब सफाइयाँ चल रही थी। आज जो है ना, मैंने अपने घर की सफाई मैंने नहीं की, जो निमरा और बिस्मा दोनों बहनों ने मेरी उन्हें मिलकर सफाई की, और मज़ा आ गया था। थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही थी, बच्चों के साथ भी संभालने वाला, अकेली जो है ना बच्चों को यकीन करें मुझे घर के काम इतना नहीं थकाते, मैं किसी चीज़ में नहीं थकते जितना बच्चे थका देते। और ये किचन जो है, ये सुबह बिस्मा ने साफ़ कर दिया था, सफाई वगैरह भी, और सारे जो है ना वो नीट एंड क्लीन हो गया था। तो बस बड़ा ही जो है ना एक सुकून सा फील हो रहा था। उन्होंने खैर जो है ना सफाई वगैरह कर ली किचन दे, और उसके बाद जी मेरी बारी आती है जी कुकिंग करने की। मैंने सारी फिर कुकिंग इफ्तारी की जो तैयारियां ना वो मैंने कर ली थी यहाँ पे दही भल्ले के लिए। ये मेरे पास ना दो तरह की पड़ी हुई थी, बारीक वाली भी मोटी वाली थी। किसी को मोटी अच्छी नहीं लगती, किसी को बारीक अच्छी नहीं लगती, तो मैंने दोनों को इकट्ठा जो किया मिक्स, मैंने कहा चलो भाई यूँ इस तरीके से जो है ना वो ये खाई जाएंगी। और यहाँ पे ना सच में जो बहनें होती हैं ना, आप इस तरीके से जब आप इफ्तार पार्टियाँ हों या कुछ भी हों, जब आपकी कोई हेल्प करने के लिए हो ना, तो इतना पता नहीं चलता, बिल्कुल एक सुकून माहौल होता है। इजीली हर चीज़ जो है ना वो मैनेज हो रही होती है। जो लड़कियाँ देख रही हैं जिनकी छोटी बहनें हैं बड़ी बहनें हैं, तो अपनी बहनों का हेल्प ज़रूर करवाया करें, वरना दोबारा आपको अपने घर में नहीं बुलाएंगे। कहाँ से आ गया ये बाऊ? और यहाँ पे जी मैं किचन में आते ही सबसे पहले जो मैंने शुरुआत की वो मैंने मीठे से की। मैंने सोचा चलो सेवैयाँ बना लेती हूँ, और साथ साथ बाकी चीज़ें जो है ना वो भी मैं साथ साथ कर रही थी। और ब्रेड रोल जो है ना वो मैंने और अदनान ने कल बना कर रख लिए थे। ये व्लॉग लंबा हो जाएगा, तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ना आप लोगों के साथ उसकी प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी। क्या कर रहे हो दोनों भाई? बंद करो बेटा दराज। चलो क्या चाहिए आपको? ये मुझे केक नहीं देती दीदी, इसमें खाने, इसलिए मैं अपने बेटे को बना के दूंगी। अभी नहीं, इसको रख दो, बना के अभी नहीं, अभी देखो मैं आपके लिए, ये देखो कितनी मजे मजे की सेवैयां बनाई हैं। हाँ ये देखो, नजर आ जाएगी अभी जब खाओगे ना, नजर आ जाएगी अभी। हाँ जी, आप दोनों भाई शेयर कर लेना, ठीक है? मैं
जाओ देखो नानो खाला सब क्या कर रहे हैं। हाँ जी आप भी खाएंगे, आप भी। हाँ जी आप भी खाएंगे, आप सब। हाँ जी सब खाएंगे, शेयर शेयर करके खाएंगे। ओके चलो जाओ देखो नानो क्या कर रही है, सब क्या कर रहे हैं, जो देख के आओ। कौन पढ़ रहा है अल्लाह? कहाँ है नानो? नानो अल्लाह पढ़ रही है। निम्रा नहा लिया तू? नहा लो जल्दी से, आओ फिर किचन में आ जाओ। इसको मैं जब कोई काम का कहती हूँ कहेगी मुझे मेरे घर छोड़ा, कर भी देती है और घर छोड़ा। काम करो, मैं थोड़ा सा काम कह दो, धमकियाँ दे दी है, मैं घर जा रही हूँ और ऐसे सच समर के बैठी हुई है जैसे बस अभी अभी जो मेहमान होते हैं ना वो वेल मेंटेन, थोड़ा ट्राई करने लगे। और मेरी मम्मा देखे अपना कुरान घर से लेगी, सिर्फ अफ्तारी पे आई है और कुरान अपना लेके आई है बस। मम्मा इधर भी इतना बारीक तो नहीं है, पढ़ा जा सकता है? नहीं जो दूसरे वाला है वो है दूसरा, एक थोड़ा लेकिन वो भी है बारीक ही है। ये सास संवर के बैठ गई, वो आराम फरमा रही है। अच्छा, इससे पहले की वीडियो वो देखो, इनकी पेट पूजा नहीं खत्म हो रही और ये रखवाली के लिए बैठ गई है। इसने वॉशरूम साफ किया है, बस वॉशरूम साफ करके ये शहीदों में शामिल हो गई। और ये इसने इसने बेचारी ने सारा किचन साफ किया, सारे का सारा क्रेडिट आज इसको जाता है। मेरे मियाँ साहब भी आ गए हैं, फ्रूट वगैरह चीजें ले आए हैं और कुछ चीजें जो है ना वो मैंने तैयारी करके रख ली है। दही भल्ले बस अभी मिक्स नहीं करना, टाइम टू टाइम करूंगी, ये हमारी सिग्नेचर चीज रेगुलर बेस पे। यहाँ पे पकौड़े बनेंगे और जो है इसके अलावा क्या है, बस अभी फिलहाल क्या करना है, फ्रूट चाट बनाऊंगी इंशाल्लाह। इतनी ज्यादा हो रही है ना, इंजेक्शन देना। आप वो दवाई वो तो डाल सकते हैं ना ट्यूब, ऐसे भी समटाइम मतलब डस्ट से भी हो सकती है। आप मास्क भी नहीं ना पहनते? चलें जी अब बढ़िया फ्रूट चाट बनानेंगे, फ्रूट चाट बनाते हैं। चले भाई ये बन गई फ्रूट चाट और ये बन गई हमारी क्रीम चाट। अब सर इसको फ्रिज में रख दो, ठंडी ठंडी हो जाएगी ना, मजे की लगेगी। जी यहाँ पे बन रहा दूध छोटा, मम्मा बना रही है। मम्मा इसके अंदर वो डाली है स्प्राइट? नहीं ये ऐसे ही पीने? नहीं डालते हैं, डाल लें आप अपना उसमें निकाल लेना, फिर उसके में चीनी डाल देना। चलो जी यहाँ पे ब्रेड रोल निकाल लिए हैं और साथ में चीज बोल जो बना के रखे थे वो भी निकाल लिए हैं और यहाँ पे आलू, नहीं सारी चीजें जो है ना बस अब तलने वाला जो काम है ना वो शुरू करते हैं। चलो और बस यहाँ पे ये लास्ट प्रोसेस जो है ना वो रह गया था, चीज़ें जो फ्राई करने वाली थी वो फ्राई कर रहे थे, बाकी हर चीज़ जो है ना वो रेडी थी। दस्तरखान भी लग चुका था, सब बैठ भी चुके थे, बस ये जो चीज़ है ना ये मैं फ्राई कर रही थी और जल्दी जल्दी से बस ये एक ही काम बचा था और इसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो टाइम होता है ना जो इफ्तारी का टाइम होता है, अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा जो है ना दुआएं कबूल करता है, तो इफ्तारी और सहरी के टाइम जो है ना थोड़ा टाइम पहले जो है ना बैठ जाया करें और दुआएं मांगा करें, अपने लिए भी, सबके लिए भी, रिस्क के लिए, कारोबार के लिए, सेहत के लिए, तो अल्लाह ताला जो है ना दुआएं कबूल करते हैं। बस यहाँ पे देखिए दस्तरखान जो है ना मुझे बहुत खुशी होती है, मेरा हमारा दस्तरखान अगर बड़ा सारा हो ना, खाने वाले ज़्यादा हों तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। मम्मी बचाओ, खुद ही उसको कहेगा प्यार कर, वो प्यार करती फिर कहेगा मम्मी बचाओ। हाँ जी तो पूरी चूहे मतलब क्या है तो पहले इतना बारीक हुआ मोटू के जैसा, इतना तो पहली नहीं है मेरा, मेरा थोड़ा सा पहली है, आपका अपना इतना छुपा सा पहली है, इसलिए आपको मम्मा का पहली हैवी लगता है। ये तो पहली है
कितना खराब है मम्मा, कैसे मेरी नकले उठा। और आप भी वीडियो बनाते हैं, लाइव इसने बेइज्जती कर दी। हाँ मेरी लाइव बेइज्जती कर दी वीडियो में। मैं ये काट दूंगी, ये मैं सेंड तो नहीं वीडियो में डालूंगी नहीं मैं। इतनी बेइज्जती मेरी लाइव, वो भी मेरी अपनी उलाद से। चलो जाए मैं इकट्ठा करो। हाँ सही बात है। हाँ जी फोटा निकला। आज तो मुझे अपने आप पे शर्मिंदगी हो रही है यार। मुझे क्या कह रहे हैं मम्मा, आपका पहली तरह मोटा मोटू के जैसे पहली आपका हो रहा है। ला कैसे हो रहा है मम्मा का पहली? मैं कह रही हूँ अब तो मुझे सीरियस लेना पड़ेगा। इधर क्या मेरा तमाशा? बेली खोलो, बता खोलो, बता मम्मा बेली कहाँ है? आप तो गंदा बच्चा, देखो आप ऐसे बोल रहे हो ना, वो मुझे कह रहा है बेली खोलो, बेली खोलो। और उसके बाद जी यहाँ पे सब बैठ गए, थोड़ी सी देर बातें की। भाई मेरे सब चले गए थे क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा होता है, इसलिए सहरी पे वो थे, इफ्तारी पे वो चले गए थे। और बस अभी घर वाले भी तैयारी कर रहे थे और थोड़ी सी देर यहाँ पे बैठे हैं, फिर वो लोग भी चले गए। हाँ जी आपने तो नहीं जाना, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ मामू, थैंक यू सो मच। यू टू, कोई बात नहीं, आप लोग आने वाले बने। कहाँ है? और यहाँ पे बस सब चले गए थे, टाटा बाय बाय कर दिया सबको, कुछ पहले चले गए कुछ बाद में चले गए। इसी तरह से हम लोग फिर वही हमारी रूटीन, छोटा सा दस्तरखान उसी पे आ गए। और इस यहाँ पे मेरा अलमीर ने जो तंग किया, इतना शोर किया, इतना रोया कि जब भी कोई घर पे आता है ना ये ऐसे ही रोता है। इसको यूँ होता है कि बस साथ में चला जाऊँ किसी तरह किसी के, और बहुत तंग करता। अब यहाँ पे भी इसको नान ने उठाया हुआ है, और जैसे ही इसको फिर अंदर लेके आए, इसको ये था मैंने नानो पास जाना है, मैंने मामू पास जाना है। ये देखे ये सीन जो है ना इसका होता, इतना शोर इतना चीख रहा था, इसलिए मैंने जो है ना वॉइस ओवर कर दी। लोग यहीं पे एंड करते हैं जी। बहुत मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा टाइम गुजर गया फैमिली के साथ। पता नहीं चलता जब फैमिली ऐसी फैमिली हो ना कि अपने हो, कोई पता नहीं है सोने का, उठने का, बैठने का, खाने का, हेल्प करवाने का, हर चीज़ पहले से भी ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।